हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो जो लास्ट लेक्चर था आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का, आपने बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपने क्लोज सिस्टम के केस में समझा था, आपने समझा था ओपन सिस्टम के केस में, राइट। तो अगर हम क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, क्लोज सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो जो क्लोज सिस्टम के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज Q12 इज इक्वल टू W12 प्लस That is U2 minus U1, right? अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास सिस्टम क्या होना चाहिए, सिस्टम आपके पास क्लोज होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस आपके पास, वो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल मैनर में हो सकता है या फिर आपके पास इररिवर्सिबल मैनर में हो सकता है, राइट। जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस आपके पास क्या हो सकता है, दैट इज एनी सब्सटेंस। और एनी सब्सटेंस बोलने का मतलब वो सब्सटेंस या तो आइडियल गैस हो सकता है या तो फिर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास प्योर सब्सटेंस हो सकता है, राइट। सो आप बोल रहे हो कि आपके पास एनी प्रोसेस, एनी सब्सटेंस, किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए, बट सिस्टम शुड बी क्लोज, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए, अब यहां से अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास ये जो वर्क ट्रांसफर है और ये जो आपके पास हीट ट्रांसफर है, आपको पता है कि वर्क ट्रांसफर और अगर हीट ट्रांसफर की आप बात करते हो तो जो वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर दोनों के दोनों आपके पास पाथ फंक्शन है, दोनों के दोनों आपके पास बाउंड्री फिनोमिना है, ठीक है। आपके पास दोनों के दोनों आपके पास इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर आपको वर्क ट्रांसफर फाइंड आउट करना है और अगर आपको हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर, राइट। सो पहले हम वर्क ट्रांसफर के बारे में समझते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, बाद में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में, राइट। अब देखिए, अगर मैं वर्क ट्रांसफर की बात करता हूं तो मान लीजिए मेरे पास ये जो वर्क ट्रांसफर फाइंड आउट करना है और ये वर्क ट्रांसफर फाइंड आउट करना है किसके लिए, अगर मेरे पास एक प्रोसेस रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है या फिर आपके पास क्वासी स्टैटिक मैनर में हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपको वर्क ट्रांसफर फाइंड आउट करना है जिसमें जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है या फिर आपके पास क्वासी स्टैटिक मैनर में हो रहा है। सो आपको पता है कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, क्वासी स्टैटिक का मतलब आपके पास क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है, राइट। सो अब यहां से अगर मैं बात करता हूं, सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पिस्टन है, राइट, सॉरी ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पिस्टन है, पिस्टन, राइट। अब देखो, ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मान लीजिए आपके पास दैट इज अ सब्सटेंस, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सब्सटेंस है, राइट। और आपको पता है ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, सो डेफिनेटली आपके पास दिस इज द क्लोज सिस्टम, दिस इज नथिंग बट द फिक्स्ड मास सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का अगर आप देखोगे मास, आपके पास प्रोसेस होने के पहले भी मास वही है, प्रोसेस होने के बाद भी आपके पास मास वही है, सो दिस इज नथिंग बट द फिक्स्ड मास सिस्टम। और आपको पता है फिक्स्ड मास सिस्टम इज नथिंग बट द क्लोज सिस्टम, राइट। अब देखिए, अब यहां से अगर मैं बोलता हूं आपके पास ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन आपके पास कैसा पिस्टन है, सो दिस इज द फ्रिक्शन लेस पिस्टन। मतलब यहां पे अगर आपके पास पिस्टन का मूवमेंट है तो जो पिस्टन का मूवमेंट है वो आपके पास कैसा होगा, आपके पास विदाउट फ्रिक्शन है, ठीक है। और आपको पता है कि जो भी प्रोसेस आपके पास विदाउट फ्रिक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पे जो भी आपके पास प्रोसेस हो रहा है दैट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, दैट मींस इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी की अगर आप बात करते हो तो आपके पास जीरो है, अगर एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी की अगर आप बात करते हो तो ये आपके पास जीरो है, दैट मींस यहां पे जो भी प्रोसेस होने वाला है दैट प्रोसेस इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, या वो प्रोसेस आपके पास क्या है, आपके पास क्वासी स्टैटिक मैनर में है, राइट। सो अब देखिए, अब मैं बोलता हूं अगर आपके पास पिस्टन इनिशियली आपके पास यहां पे, ठीक है, पिस्टन आपके पास यहां पे इनिशियली, यहां आपके पास पिस्टन की पोजीशन आपके पास ये है, नाउ किसी टाइम पे आपके पास इधर वाला जो आपके पास ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, ये सब्सटेंस आपके पास इस पिस्टन पे आपके पास प्रेशर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो किसी स्टैंड पे जो प्रेशर है आपके पास इस सब्सटेंस का, दैट प्रेशर इज पी। और अगर मैं बोलता हूं पिस्टन का एरिया मेरे पास क्या है, पिस्टन का एरिया अगर मेरे पास ए है, ठीक है, अगर मैं ए बोलता हूं, ए मेरे पास क्या है, दैट ए इज नथिंग बट द पिस्टन एरिया, पिस्टन एरिया। तो यहां से अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास किसी एक सर्टेन टाइम पे प्रेशर फोर्स जो है वो आपके पास पी इंटू ए है, जिसके कारण से ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये जो पिस्टन है आपके पास कितना डिस्प्लेस हो गया, मान लीजिए आपके पास डी एक्स,
ये लीजिए, ये जो पिस्टन है ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये पिस्टन जो डिस्प्लेस हुआ है या ये जो कितना पिस्टन कितना मूव कर रहा है, तो पिस्टन जो है वो आपके पास डी एक्स अमाउंट आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास मूव कर रहा है। और ये जो भी मूवमेंट है, जो भी आपके पास मूवमेंट है, आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास रिवर्सिबल मैनर में आपके पास मूवमेंट है या फिर आपके पास क्वासी स्टैटिक मैनर में आपके पास मूवमेंट है, राइट। अब आपको एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास ये जो सब्सटेंस है, डेफिनेटली दिस सब्सटेंस इज नथिंग बट द सिस्टम, ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास सिस्टम है, तो ये जो सिस्टम है राइट, ये मेरे पास सिस्टम है और इस साइड में आपके पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द सराउंडिंग, ये आपके पास सराउंडिंग है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने इस सराउंडिंग में कितना वर्क किया है, मतलब डेफिनेटली आपके पास फाइंड आउट जो करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, सिस्टम ने सराउंडिंग में कितना आपके पास वर्क किया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो, अभी आपके पास ये अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास पिस्टन जो है, पिस्टन कितना मूवमेंट किया है, पिस्टन ने आपके पास dx अमाउंट मूवमेंट किया है, पिस्टन ने अगर आपके पास dx अमाउंट अगर मूवमेंट किया है तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो स्मॉल एलिमेंटल वर्क होगा, ठीक है, स्मॉल एलिमेंटल वर्क जो होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द प्रेशर फोर्स, दैट प्रेशर फोर्स इज नथिंग बट द प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाई आपके पास दैट इज नथिंग बट द dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट द वर्क। So, अगर आप यहां से देखोगे पिस्टन कितना मूव किया है, पिस्टन dx अमाउंट मूव किया है, तो जो वर्क है, जो सिस्टम सराउंडिंग पे जो वर्क कर रहा है वो कितना कर रहा है, तो दैट इज नथिंग बट द स्मॉल एलिमेंटल वर्क ट्रांसफर, एंड दिस स्मॉल एलिमेंटल वर्क ट्रांसफर इज नथिंग बट द p इंटू a इंटू dx, राइट। अब देखिए, ये जो a इंटू dx है, इस a इंटू dx को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इस a इंटू dx को मैं लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं एरिया इंटू dx की बात करता हूं तो इस एरिया इंटू dx को मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम। अब देखिए, अब यहां से आपके पास ये तो मेरे पास क्या निकला, दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल वर्क, ठीक है, ये आपके पास वो स्मॉल एलिमेंटल वर्क है जो सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया है, राइट। अब देखिए, अब मेरे को मतलब किससे, मेरे को मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास यही जो पिस्टन है आपके पास रिवर्सिबल मैनर में मूव किया है कहां तक, स्टेट नंबर टू तक, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्टेट नंबर टू, सो दिस इज द स्टेट नंबर वन एंड दिस इज द स्टेट नंबर टू, राइट। स्टेट नंबर वन से मूव करके कहां तक आया, वो आया आपके पास स्टेट नंबर टू तक, तो जब स्टेट नंबर वन से स्टेट नंबर टू, स्टेट नंबर वन से स्टेट नंबर टू, मतलब आपके पास स्टेट चेंज हो रहा है, और आपको पता है अगर स्टेट चेंज होता है तब उसको आप क्या बोलते हो, तब आपके उसको आप बोलते हो प्रोसेस, मतलब अगर वन से टू प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में मेरे को क्या करना है, उस केस में मेरे को फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में हुआ है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं सिंपल है इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इंटीग्रेशन अगर करेंगे, सो दिस इज वन से लेके टू, वन से लेके टू, नाउ यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा w वन टू, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन, दैट इज p dv, और कहां से कहां, वन से टू, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द वर्क ट्रांसफर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जब आपके पास जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस मैनर में हो रहा है, आपके पास रिवर्सिबल या फिर आपके पास क्वासी स्टैटिक मैनर में हो रहा है, क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। और आपके पास ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, तो सबसे पहले आपके पास सिस्टम क्या होना चाहिए, सिस्टम आपके पास क्लोज सिस्टम होना चाहिए, सेकंड आपके पास प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, और जो थर्ड है आपके पास क्या है। अब देखिए, मैंने सब्सटेंस बोला था, तो सब्सटेंस बोलने का मतलब यह है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर द एनी सब्सटेंस, सो सिस्टम शुड बी क्लोज, सिस्टम शुड बी क्लोज, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, एंड सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस, क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। अब देखिए, यहां से अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास अगर सपोज पिस्टन इनिशियली वन पे है और आपके पास टू तक मूव करता है, लेकिन अगर वो मूव करता है इररिवर्सिबल मैनर में, तो क्या मैं ये लिख पाऊंगा, तो मैं ये लिख नहीं पाऊंगा। अगर आपके पास पिस्टन इररिवर्सिबल मैनर में स्टेट नंबर वन से स्टेट नंबर अगर टू मूव कर रहा है, तो मैं ये लिख नहीं पाऊंगा इंटीग्रेशन वन से टू पीडीवी, क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर हम एक इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो एक इररिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। एक इररिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो कभी भी आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन पॉसिबल है किसका, इंटीग्रेशन पॉसिबल है कंटिन्यूअस फंक्शन का। सो जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे अवेलेबल जो है वो किसके लिए अवेलेबल है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, ठीक है। और जितने भी आपके पास, अब देखिए यहां से आप देख रहे हो कि आपके पास ये जो इनसाइड जो प्रेशर है, ठीक है, आपके पास सब्सटेंस के अंदर का जो प्रेशर है वो आपके पास वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन के बेसिस पे डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो वर्क ट्रांसफर, ठीक है। मतलब आपके पास जो W12 है, W12 आपके पास इंटीग्रेशन 1 से 2 PdV तो है,
अब अगर मैं बोलता हूं कि मान लो मेरे पास प्रेशर जो है अंदर में कांस्टेंट है, या फिर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, या मैं बोल देता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो इस केस में आपके पास नेचर ऑफ प्रोसेस अलग अलग है, और नेचर ऑफ प्रोसेस अगर आपके पास अलग अलग है तो यू विल गेट द डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बट बेसिक जो है वो बेसिक कहां से आने वाला है, जो बेसिक है आपके पास यहीं से आने वाला है, विच इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन 1 से 2 पीडीवी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक तरीका तो ये है आपके पास W12 फाइंड करने का किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में, दूसरा जो तरीका है वो आपके पास क्या होता है ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे, अगर देखिए अगर आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर आपको शो करना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट में, ठीक है, अगर आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, अगर आपको इस रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर आपको शो करना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट में, सो मान लीजिए आपके पास वो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ये आपके पास वन स्टेट नंबर वन और ये आपके पास क्या है दैट इज स्टेट नंबर टू लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज शोन बाय द सॉलिड लाइन, ठीक है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस को हमेशा सॉलिड लाइन से शो करते हैं, राइट। अब देखिए अगर आपके पास मैं बोलता हूं वन के करस्पॉन्डिंग प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं प्रेशर है पी वन, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम है वी वन, टू के करस्पॉन्डिंग मैं बोलता हूं प्रेशर मेरे पास क्या है प्रेशर है मेरे पास पी टू, वॉल्यूम क्या है मेरे पास दैट वॉल्यूम इज वी टू, मतलब स्टेट नंबर वन स्टेट नंबर वन स्टेट नंबर टू, स्टेट नंबर वन के करस्पॉन्डिंग प्रेशर पी वन वॉल्यूम वी वन, स्टेट नंबर टू के करस्पॉन्डिंग प्रेशर पी टू एंड वॉल्यूम दैट इज वी टू, राइट। अब देखिए अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि भैया वर्क ट्रांसफर क्या होगा, वर्क ट्रांसफर क्या आपके पास इस ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है क्या, सो आंसर है यस, आपके पास ग्राफ के थ्रू आप क्या कर सकते हो आप वर्क ट्रांसफर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं वन से टू मेरे पास एक प्रोसेस है, अब देखिए अगर मैं यहां से स्मॉल एलिमेंटल एरिया कैलकुलेट करूं, ठीक है, ये आपके पास क्या है दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया, सो व्हाट इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया दैट स्मॉल एलिमेंटल एरिया इज नथिंग बट द डीए, और ये जो डीए है आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रीप आप देख रहे हो इसका जो एरिया है दैट इज नथिंग बट द डीए, और यहां से अगर मैं डीए कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द पी इंटू डीवी, सी दिस इज नथिंग बट द डीवी और ये आपके पास क्या हो जाएगा दिस इज नथिंग बट द पी, राइट। सो व्हाट इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया दैट स्मॉल एलिमेंटल एरिया इज नथिंग बट द पी डीवी, लेकिन अगर मेरे को कैलकुलेट करना होगा पूरा का पूरा एरिया, मतलब अगर मैं बोलूं आपके पास पूरा का पूरा एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो पूरा का पूरा एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है इस ग्राफ के अंदर का, तो दिस इज द एरिया, ये आपके पास एरिया होगा, और इस एरिया को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस एरिया को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो सिंपली दैट इंटीग्रेशन इट, सो यहां से आपको मिल जाएगा एरिया और ये हो जाएगा आपके पास पी डी वी, और कहां से कहां वन से लेके टू तक, राइट। मतलब अगर आप देखोगे ये जो शेडेड एरिया है वो शेडेड एरिया आपके पास किसके इक्वल है वन से टू इंटीग्रेशन पी डी वी, और यही आपने देखा था जस्ट थोड़े देर पहले कि आपके पास दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क ट्रांसफर इन केस ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वर्क ट्रांसफर है ये वर्क ट्रांसफर को हम एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको वर्क ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो वर्क ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, पहला तरीका जो है दैट इज द इंटीग्रेशन मेथड, आप इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट कर सकते हो, और जो दूसरा मेथड है दैट इज नथिंग बट द ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में अगर आप शेडेड एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप ग्राफिकल मेथड में अगर आप शेडेड एरिया फाइंड आउट कर सकते हो तो वो शेडेड एरिया ही आपको क्या बताएगा, शेडेड एरिया आपको दे देगा वर्क ट्रांसफर। लेकिन रिमेंबर ये किस प्रोसेस की बात हो रही है, जब प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर वन से टू आपके पास इररिवर्सिबल प्रोसेस होता तो एरिया अंडर द ग्राफ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट ऑफ द एरिया अंडर द ग्राफ इन केस ऑफ द इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस के में एरिया अंडर द ग्राफ का कोई आपके पास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर वही रिवर्सिबल प्रोसेस है सो एरिया अंडर द ग्राफ पीवी प्लॉट में, पीवी प्लॉट में आपको क्या देगा, पीवी प्लॉट में आपको देगा वर्क ट्रांसफर, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो यहां से आपको क्या मिल गया, आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वर्क ट्रांसफर के एक रिवर्सिबल प्रोसेस में ये आपको फाइंड आउट हो चुका है। अब देखिए अब आपके पास मैंने बोला अगर आपके पास जो नेचर ऑफ प्रोसेस चेंज होगा तो नेचर ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग यू विल गेट द डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बट बेसिक जो है बेसिक आपके पास एक ही इक्वेशन है एंड दैट इज नथिंग बट द W12 इंटीग्रेशन पीडीवी, राइट। अब देखो अब आपके पास मैं बोलता हूं कि मान लीजिए आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन है इन साइड द सिलेंडर, सिलेंडर अगर आप देखोगे सिलेंडर के अंदर में आपके पास पिस्टन जो मूव कर रहा है प्रेशर क्या है, प्रेशर आपके पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ द प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है जिसको आप क्या बोलते हो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो आइसोबारिक प्रोसेस।
अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है तो दैट इज नथिंग बट द आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखो अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है तो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर अगर होगा सो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट राइट। कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसे बनेगी तो कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइन है ये आपके पास है, ये आपके पास मान लीजिए प्रोसेस हो रहा है वन से लेके टू। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपको वर्क ट्रांसफर निकालना है तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अगर वर्क ट्रांसफर निकालोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू पी राइट। इंटीग्रेशन मेथड अगर आप यूज करोगे तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करके आप क्या लिख सकते हो दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन पीडीवी ठीक। कहां से कहां है वन से लेके टू, प्रेशर कांस्टेंट है आप बाहर फेंक दीजिए दैट इज नथिंग बट द वी टू माइनस वी वन ये हो गया। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं पी इंटू वी टू माइनस पी इंटू वी वन, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं दैट इज नथिंग बट द पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन राइट। तो ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब देखिए कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस अगर आइडियल गैस में हो रहा है, अगर आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस है तो आपको पता है अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के केस में PV इज इक्वल टू एम आर टी इज एप्लीकेबल। PV इज इक्वल टू एम आर टी आपके पास क्या है एप्लीकेबल है। तो यहां से अगर मैं बोलू W12 क्या होगा तो W12 मैं क्या लिख सकता हूं दैट इज नथिंग बट द एम आर टी टू माइनस मैं टी वन भी लिख सकता हूं। लेकिन रिमेंबर दिस इज ओनली इन केस ऑफ द आइडियल गैस, प्योर सब्सटेंस के केस में आप ये नहीं लिख पाओगे, प्योर सब्सटेंस के केस में आप ये नहीं लिख पाएंगे। हाँ ये जरूर लिख पाएंगे, अगर आपको लिखना होगा तो आप ये जरूर लिख सकते हो बट ये नहीं लिख सकते। ये कब लिख सकते हो MRT2-T1 जब आपके पास कि जो सब्सटेंस है वो आपके पास क्या है दैट इज आइडियल गैस। गेटिंग माई पॉइंट, सो दिस इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। वैसे अगर मैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करता हूं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में भी आप वर्क ट्रांसफर बता सकते हो। सो बोलने का मतलब यह है कि डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप आसानी से वर्क ट्रांसफर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो राइट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं ये आपके पास क्या था कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो आपने देखा पहले एनालिटिकल, पहले ग्राफिकल मेथड, सॉरी एनालिटिकल मेथड देखा, इंटीग्रेशन मेथड आपने देखा ठीक है। अगर आप इसको शेडेड एरिया से बनाओगे, अगर ये शेडेड एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये भी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा दिस इज नथिंग बट द W12 एंड दिस इज नथिंग बट द सिंपली P2V2 माइनस दिस इज P1V1 ये लो राइट। वैसे अगर मैं बोलता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में भी आप निकाल सकते हो ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में जो सेकंड आपके पास प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करता हूं तो वॉल्यूम क्या है दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट डीवी इज जीरो। सो W12 क्या लिखते हैं आप इंटीग्रेशन वन से टू पी डीवी, डीवी आपके पास जीरो है तो आपके पास W12 क्या हो जाएगा दैट इज जीरो। सो वर्क ट्रांसफर क्या हो गया, वर्क ट्रांसफर हो गया आपके पास जीरो। सो इन केस ऑफ द क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो वर्क ट्रांसफर क्या होगा दैट वर्क ट्रांसफर इज जीरो राइट। वैसे ही अगर आपके पास थर्ड आपके पास क्या है दैट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या इसी को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसो थर्मल प्रोसेस राइट। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबारिक, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक, और आपके पास कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो अगर यहां से आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हो और आइसोथर्मल प्रोसेस किसमें हो रहा है, मान लीजिए आपके पास आइडियल गैस में हो रहा है, ये लीजिए आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस किस पे हो रहा है, आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस में है। सो आइडियल गैस में अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है सो आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी हम लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास सब्सटेंस आपने क्या मान लिया कि आइडियल गैस है। अब देखिए आपके पास आर कॉन्स्टेंट है, आपके पास एम कॉन्स्टेंट है और आपके पास टीबी क्या हो गया, अब आपके पास टीबी कॉन्स्टेंट हो गया। अगर आपके पास एम कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट और टीवी कॉन्स्टेंट हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं दैट पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट मीन पी वन वी वन इज इक्वल टू सिंपली पी टू वी टू ये लीजिए राइट। सो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, अगेन आप अगर यहां से आप सॉल्व करते हो W12, अगर आप W12 अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलेगा अगर 12 तो ये हो गया आपके पास पीडीवी। नाउ यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सी बाई, लिख सकता हूं इसको पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P into V is equal to आपके पास constant है तो आपके पास क्या लिख सकता हूं P is equal to C by V और ये हो गया dV। इसको अगर आप solve करेंगे तो solve करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, solve करने के बाद आपको मिलने वाला है P1 V1 natural log P1 by P2 आप ये लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो P1 V1 natural log आप लिख सकते हो V2 by V1।
राइट right. सो बोलने का मतलब यह है कि अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप डिराइव कर सकते हो और उसको डायरेक्टली आप याद भी कर रख सकते हो. ठीक है, सो आपके पास जो डायरेक्टली रिजल्ट्स हैं, मैं उन रिजल्ट्स के बारे में यहां पे बात करूंगा. ठीक है, डिराइव करना अगर आप डिराइव करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, उसके लिए आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. राइट right? बट यहां पे आपके पास टाइम की लिमिटेशंस है, सो डेफिनेटली टाइम की अगर लिमिटेशन है तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है मैं डायरेक्टली उनके बारे में बात करता हूं. राइट right, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, सबसे पहले मैं बात करता हूं आइसोबारिक या फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबारिक या फिर आपके पास कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो आपके पास क्या निकल के आया था, अगर हम W12 की बात करते तो इट इज सिंपली PV2 - V1. अगर आपके पास प्रोसेस कहां से कहां हो रहा है, 1 से 2, सभी में आपके पास प्रोसेस कहां से कहां हो रहा है, 1 से लेके 2. सेकेंड अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं आइसोकोरिक और आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. इस केस में अगर मैं बोलता हूं W12 क्या होगा, तो W12 दैट इज 0. राइट, अगर मैं बात करता हूं थर्ड, आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है या इसी को आप क्या बोलते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस अगर आपके पास किस में हो रहा है, अगर आपके पास आइडियल गैस में हो रहा है, आइडियल गैस. सो आइडियल गैस में हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू MRT, M कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. राइट, इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट W12 इज इक्वल टू, यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा P1V1 नेचुरल लॉग P1/P2, ये आप लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P1V1 नेचुरल लॉग दिस इज V2/V1 बिकॉज P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये लीजिए. राइट, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ जो है आपके पास, दैट इज आइसनट्रॉपिक प्रोसेस, आइसनट्रॉपिक प्रोसेस या आइसनट्रॉपिक प्रोसेस या इसी को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसनट्रॉपिक प्रोसेस या फिर आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. और अगर आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस किसमें हो रहा है, अगर आपके पास आइडियल गैस में हो रहा है, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आइडियल गैस में है, तो आपके पास जो फंक्शनल रिलेशन है पी और वी का क्या हो जाएगा, PV^γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट PV^γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर गामा इज नथिंग बट द एडियाबैटिक इंडेक्स, वेयर गामा इज नथिंग बट द एडियाबैटिक इंडेक्स. राइट, और आइडियल गैस की प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, किसकी अगर हम बात करते हैं, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी, तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी आपने ये चीजें देखी हुई है. ठीक है, अगर हम गामा की बात करते हैं, गामा आपके पास क्या था, गामा इज नथिंग बट द एडियाबैटिक इंडेक्स. और आपके पास गामा आपके पास किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का आइडियल गैस है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है या डाईएटॉमिक आइडियल गैस है या फिर आपके पास पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास गामा की वैल्यू चेंज होती है. तो गामा आपके पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द एडियाबैटिक इंडेक्स, एंड गामा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ CP to CV. ठीक है, गामा आपके पास क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू गामा. क्लियर हो गई बात इतनी. ठीक है, सो इस केस में अगर मैं बोलता हूं वर्क ट्रांसफर क्या होगा, वर्क ट्रांसफर W12 दैट इज नथिंग बट द P1V1 माइनस P2V2 अपॉन दैट इज गामा माइनस 1, ये लीजिए. ठीक है, सो डायरेक्टली एंड एक्सप्रेशन वैसे भी आपको याद रखना है, बट अगर आपको डिराइव करना है तो आप चीजों को आसानी से ड्राइव करते हो, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है. राइट, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि किसमें हो रहा है, आपके पास आइडियल गैस में हो रहा है. और सिस्टम कैसा है, सिस्टम आपके पास क्लोज्ड सिस्टम है. ठीक है, ये जितनी चीजें लिख रहे हो किसके लिए, दैट इज अ सिस्टम शुड बी क्लोज्ड, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, आप ये लिख रहे हो. राइट, नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ आपके पास क्या है, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. और अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की आप बात करते हो, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दैट इज नथिंग बट द PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में P और V के बीच में अगर रिलेशन बताना है, सो दैट इज नथिंग बट द PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर n इज नथिंग बट द, दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. राइट, और यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वर्क ट्रांसफर का क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द P1V1 माइनस P2V2 अपॉन दैट इज n माइनस 1. और n आपके पास क्या है, दैट इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. और ये जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, दैट वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोसेस.
ठीक है, आपके पास प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर गामा की वैल्यू आप बोलते हो इट डिपेंड्स ऑन दी, डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ द गैस, टाइप ऑफ द गैस, राइट। सो गामा की वैल्यू डिपेंड करता है टाइप ऑफ द गैस पे, मोनोएटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, या फिर आपके पास पॉलीएटॉमिक है। एन की वैल्यू डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोसेस किस टाइप का है, आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस है, या फिर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, या फिर आपके पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, किस टाइप का प्रोसेस है, इस पर डिपेंड करता है आपके पास एन की वैल्यू, राइट। जैसे कि अगर वही अगर देखोगे, अगर देखिए, अगर मैं पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर मैं एन की वैल्यू को मैं जीरो रख दूं, अगर मैं एन की वैल्यू को जीरो रख देता हूं, तो ये हो जाएगा पी वी टू द पावर जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड वी टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या गया, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वैसे ही अगर मैं एन की वैल्यू को अगर मैं रख देता हूं गामा के इक्वल, एन की वैल्यू को मैं रख देता हूं गामा के इक्वल, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। सो एन की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, एन की वैल्यू डिपेंड करता है टाइप ऑफ द प्रोसेस पे, और गामा की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, गामा की वैल्यू डिपेंड करता है आपके पास टाइप ऑफ द गैस पे। और एन की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आपके पास एन की वैल्यू वेरी कर सकती है। रिमेंबर एन इज अ पॉलीटॉपिक इंडेक्स, बट गामा की वैल्यू अगर आप देखोगे पॉलीएटॉमिक के लिए कितना होता है, तो पॉलीएटॉमिक के लिए दैट इज 1.33, अगर डायएटॉमिक देखते हो तो दैट इज 1.4, और अगर आप मोनोएटॉमिक देखते हो तो दैट इज 1.67, ठीक है। ये आपके पास गामा की वैल्यू है। सब एन की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोसेस, बट गामा की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द गैस, ठीक है। सो ये आपके पास जितने भी आपके पास ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये जितने भी आप स्टैंडर्ड प्रोसेस आप देख रहे हो, जैसे कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब के लिए आपके पास क्या है, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क ट्रांसफर। लेकिन रिमेंबर सिस्टम शुड बी क्लोज, ये जितनी भी बातें हो रही है किसके लिए हो रही है, ये क्लोज सिस्टम के लिए होती है, ठीक है। अगर आप ओपन सिस्टम के केस में देखोगे, तो ओपन सिस्टम के केस में देयर इज अ डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं, तो ओपन सिस्टम के लिए आपके पास डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपके पास फोकस कर रहा हूं कि सिस्टम क्या होना चाहिए, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, राइट। अब देखिए, इसके अलावा अगर सपोज आपके पास कोई और एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको आपको पता है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, राइट, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आपके पास इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप देखोगे आगे, कि अगर मान लीजिए आपके पास एक प्रोसेस है, और प्रोसेस में आपको ये नहीं पता कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, लेकिन ये पक्की बात है वो प्रोसेस आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये पक्की बात है कि प्रोसेस आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, मतलब आपको क्या नहीं पता, आपको एन की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, आपको एन की वैल्यू नहीं पता है, राइट। जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यहां पे अगर देखोगे तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन पता है, ठीक है। पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन पता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि वो प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उस केस में आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप यहां पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको यूज करना है, क्योंकि आपको पता है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बोला था कि आपके पास एन की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सो कितने रिवर्सिबल प्रोसेसेस पॉसिबल है, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस पॉसिबल है, लेकिन हाँ एन की वैल्यू आपके पास अलग अलग होने वाली है हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो आप एक काम करो, पहले उस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, पहले उस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप एन की वैल्यू फाइंड कर लो, और एन की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे, तो आपको पता है कि हर एक रिवर्सिबल प्रोसेस एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, दैट ईच एंड एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दैट वैल्यू ऑफ एन वेरीज प्रोसेस टू प्रोसेस। जैसे अगर आप एन की वैल्यू जीरो रख दोगे तो कॉन्स्टेंट प्रेशर बन गया, एन की वैल्यू गामा रख दोगे तो कॉन्स्टेंट एंट्रोपी बन गया, अगर आप एन की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बन गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो एन की वैल्यू आपके पास प्रोसेस टू प्रोसेस आपके पास चेंज होता है, मतलब आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ एन की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दी, आपके पास सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइंड करोगे एन की वैल्यू, राइट। सबसे पहले आप एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एन की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो वर्क ट्रांसफर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपके पास एन की हर एक वैल्यू के लिए आपके पास एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू वन, एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू वन, राइट। क्योंकि एन इज इक्वल टू वन रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और एन इज इक्वल टू वन रखोगे तो कौन सा प्रोसेस है, अगर एन इज इक्वल टू, अगर आप वन रख दोगे, एन इज इक्वल टू वैल्यू अगर वन हो गई, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, दैट पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, जिसको हम बोलते हैं एक हाइपरबोलिक प्रोसेस है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब एक हाइपरबोलिक प्रोसेस होता है, और अगर आपके पास वही प्रोसेस आइडियल गैस में अगर हो रहा है,
अगर हाइपरबोलिक प्रोसेस P into V is equal to constant, अगर आपके पास एक आइडियल गैस में है तब उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, राइट। अगर आपके पास हाइपरबोलिक प्रोसेस है और वो हाइपरबोलिक, अगर हाइपरबोलिक प्रोसेस जो है वो आइडियल गैस में है तब मैं उस प्रोसेस को बोल पाऊंगा कि वो प्रोसेस आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, राइट। समझ आ ध्यान से मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपके पास P into V is equal to constant, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक हाइपरबोलिक प्रोसेस है। अब देखिए ये जो हाइपरबोलिक प्रोसेस है या तो ये आइडियल गैस में हो सकता है या तो आपके पास ये क्या हो सकता है, ये आपके पास प्योर सब्सटेंस में हो सकता है। अगर ये आइडियल गैस में हो रहा है तो आपको पता है PV is equal to MRT हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्योर सब्सटेंस में हो रहा है तो हम PV is equal to MRT नहीं लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए आपके पास अगर PV कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो T किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल, राइट। इसका मतलब एक हाइपरबोलिक प्रोसेस, दिस इज नथिंग बट द हाइपरबोलिक प्रोसेस, और ये जो हाइपरबोलिक प्रोसेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के इक्वल। गेटिंग माई पॉइंट, लेकिन कब, जब सब्सटेंस अगर आपके पास आइडियल गैस है, लेकिन अगर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है तो हाइपरबोलिक प्रोसेस तो होगा, P into V is equal to constant लिख पाओगे, लेकिन आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं लिख सकते हो, राइट। सो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एक बार एन की वैल्यू अगर मिल गई तो आप डेफिनेटली वर्क ट्रांसफर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप बता सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क ट्रांसफर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जब आपके पास सिस्टम क्या है, जब आपके पास सिस्टम आपके पास क्लोज है, राइट। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो क्वेश्चन बनाते टाइम पे समझिएगा ध्यान से, अगर आप बात यहां पर मैं कर रहा हूं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करता हूं और मैं यहां पर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, देखिए कुछ और रिलेशन है जो भी आप, वो भी आपको आएगा, वही आएगा, कहां से आएगा, आपके पास सिंपल डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, सो डेफिनेटली पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट मैं लिख सकता हूं, ठीक है, अगर आइडियल गैस है और आइडियल गैस में एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, सो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, राइट। नाउ पी वन वी वन टू द पावर गामा इज इक्वल टू, आप पी टू वी टू द पावर गामा भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर आप सिंपल डिराइव करोगे, अगर देखो अगर मैं पी वी इज इक्वल टू एम आर टी को यूज करता हूं, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी को अगर मैं यूज करता हूं तो मैं और क्या क्या चीजें लिख पाऊंगा, राइट। देखिए मैं लिख सकता हूं टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू, ये हो गया पी टू बाई पी वन और ये हो जाएगा गामा माइनस वन बाई गामा, मैं ये भी लिख सकता हूं, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन गामा माइनस वन बाई गामा। अगर मैं लिखना चाहूं टी टू बाई टी वन को वॉल्यूम के टर्म में तो और क्या लिख सकता हूं, वी वन बाई वी टू गामा माइनस वन, मैं ये भी लिख सकता हूं, राइट। सो अगेन मैं चीजों को डिराइव करके आपको शो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मैं डिराइव भी करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत सिंपल है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी को यूज करो यार, यहां से आप ये चीजें आसानी से बता सकते हो, राइट। सो टाइम की लिमिटेशन है, तो टाइम की लिमिटेशन के कारण से मैं ये सब चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपल सी चीजें आपको बता रहा हूं कि आपके पास अगर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एनीवेज आपको याद रखना ही है, ठीक है। सो अगर एक हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में आप ये चीजें आप लिख सकते हो, राइट। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो पी वन वी वन टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू द पावर गामा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन गामा माइनस वन बाई गामा, एंड दिस इज थर्ड थिंग टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू द पावर गामा माइनस वन। सेम चीज अगर आप देखोगे तो हम किसके लिए लिख सकते हैं, अगर हम एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए भी क्या लिख सकते हैं, देखिए पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो पी वन वी वन टू द पावर एन इज इक्वल टू पी टू v टू दी पावर n, आप ये लिख सकते हो पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो t2 टू बाई टी वन इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट द p2 टू बाई पी वन और ये हो जाएगा n माइनस वन बाई एन, आप ये लिख सकते हो। और तीसरी जो चीज है आप क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट द v t2 टू बाई टी वन इज इक्वल टू, दैट इज अ वी वन बाई वी टू एंड एन माइनस वन, आप ये लिख सकते हो, राइट। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो इन चीजों का आप ध्यान रखना कि भैया अगर मेरे को T2 फाइंड आउट करना है और मेरे को अगर प्रेशर रेशियो पता है, P2 और P1 मेरे को अगर पता है और मेरे को अगर T2 फाइंड करना है, T1 अगर मेरे को पता है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो इस वे में जाके आप क्या कर सकते हो, इस वे में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। तो ये आपके पास किसके लिए, आपके पास वर्क ट्रांसफर हो गया जब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की, राइट। जब वैसे ही आप बात करते हो किसकी, वैसे अगर मैं बात करता हूं ओपन सिस्टम के केस में, तो ओपन सिस्टम के केस में जो वर्क ट्रांसफर है एक रिवर्सिबल प्रोसेस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं, उसके बाद हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। तो वर्क ट्रांसफर इन केस ऑफ द क्लोज सिस्टम, नाउ वर्क ट्रांसफर इन केस ऑफ द ओपन सिस्टम, जब प्रोसेस कैसा है, जब प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है,
राइट सो नेक्स्ट हम देखते हैं किसके केस में, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क ट्रांसफर एक रिवर्सिबल प्रोसेस में जो किसके किस में हो रहा है, ओपन सिस्टम में, राइट right?